बात करने वाले क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर 5 जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकंड लेक्चर के बारे में। दोस्तों आज इस लेक्चर में जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आप जान लेते हैं स्टीम के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। दोस्तों पहला मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। दोस्तों इसके अंदर अंडरग्राउंड जैसे कि एग्जाम्पल आ गए, इसके अंदर जो स्टीम्स अंडरग्राउंड स्टीम्स ऑफ जो पोटैटो होता है, जिंजर होते हैं, टर्मेरिक के, जेमिन कैंड के, कोलोकेसिया के मॉडिफाई होते हैं कुछ, जिनमें फूड स्टोर कर सकते हैं वो लोग। दोस्तों ये ऑर्गन ऑफ पेनेट्रेशन के तरह भी एक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो आता है मॉडिफिकेशन वो है सपोर्ट के लिए। दोस्तों सपोर्ट के लिए ट्रेंडिल्स ग्रो करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे लत्ती जिसको हम लोग लत्ती कहते हैं, वो एक के ऊपर एक पकड़ते ऊपर चलते रहता है, जैसे कि आपको लौकी में दिखता होगा। एंड तीसरा होता है फॉर डिफेंस के लिए। दोस्तों इसमें वुडी स्ट्रेज एंड पॉइंटेड थ्रोन्स जमते हैं, जैसे जो उनकी स्टीम है वुडी हो जाती है, काफ़ी मतलब वुड की तरह मोटी हो जाती हैं, उसके बाद से स्ट्रेट रहती हैं एंड उनमें थ्रॉन्स निकल जाते हैं। मीन्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कैक्टस प्लांट में ये जो निकले रहते हैं बिल्कुल मीन्स स्पाइंस की तरह जो निकले रहते हैं। एंड दोस्तों चौथा मॉडिफिकेशन होता है स्टीम में फोटोसिंथेसिस के लिए। दोस्तों कुछ जो प्लांट्स हैं एरिड रीजन के, वो अपने स्टीम को मॉडिफाई कर देते हैं फ्लैजिलेटेड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। दोस्तों जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है एंड वो फोटोसिंथेसिस को अंजाम देता है। एंड दोस्तों लास्ट मॉडिफिकेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। दोस्तों अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो लास्ट मॉडिफिकेशन है स्टीम का, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन होते हैं। दोस्तों उनमें चार तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला हो गया रूनर। दोस्तों रूनर के अंदर कुछ प्लांट्स हैं उनके जो स्टीम्स हैं अंडरग्राउंड स्प्रेड होते हैं एंड जब एक प्लांट मर जाता है तो वो जन्म लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या आ गया। तो दोस्तों इसके अंदर आ गए ये प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके नीचे से एक निकला हुआ है रूनर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोलोन। ये वहाँ नीचे जाता है एंड जब ये फर्स्ट प्लांट जो है ये जब मर जाता है देन ये बर्ड जो है यहाँ से निकलता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। एंड दोस्तों सेकंड मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टोलोन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, प्लांट जो है या इनके बेस से लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं एंड कुछ ग्रो होने के बाद ये डाउनवर्ड आर्च हो जाते हैं, डाउन नीचे जमीन के अंदर जाने लगते हैं ग्राउंड को टच करने के लिए। इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों मिंट एंड जैस्मिन। दोस्तों रीनर के एग्जांपल थे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। एंड तीसरा मॉडिफिकेशन है ऑफसेट। दोस्तों इसके अंदर लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटर नोड्स छोटे इंटर नोड्स के साथ, मीन्स इंटर नोड्स जानते हैं दो नोड्स के बीच का गैप होता है इंटर नोड्स, एंड जो इच नोड्स होते हैं दोस्तों वो रोडसेट ऑफ लीव्स बियर करते हैं एंड टफ्ट ऑफ रूट्स को। दोस्तों ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। दोस्तों चौथा जो हो गया मॉडिफिकेशन वो है सक्कर। दोस्तों इसके अंदर तो लेटरल ब्रांच होते हैं वो बेसिल से ऑरिजिनेट होते हैं एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टीम में। दोस्तों ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं जो कि सॉइल के नीचे जाते हैं एंड बाद में दोस्तों ये अपवर्ड एराइज होते हैं, मींस बाहर निकलते हैं लीफी सूट्स के तरह। दोस्तों इसका एग्जांपल हो गया बनाना एंड पाइन एप्पल। चलिए दोस्तों अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। लीफ, चलिए लीफ को पढ़ लेते हैं। दोस्तों लीफ एक लेटरल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम से निकलता है। दोस्तों लीफ जो है वो नोड के सहायता से डेवलप होता है स्टेम पे। दोस्तों नोड एंड इंटर नोड जो है ये सूट पे प्रेजेंट होते हैं, इसी के मदद से कहा जाता है कि लीफ जो है ये सूट एपिकल मेरिस्टेम से ऑरिजिनेट होता है। दोस्तों जैसे कि नोड हो गया, एक आप स्टीम पे देखेंगे तो वहाँ नोड एंड इंटर नोड होता है।
वहीं से दोस्तों लीव भी अराइज होते हैं, इसी के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि ये लीव जो है ओरिजिनेट होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से। दोस्तों जब बड होता है लीफ पे उसको हम लोग ऑक्सिलरी बड कहते हैं। चलिए इसका भी एक बार फिगर देख लेते हैं ऑक्सिलरी बड के, जिससे हम लोग अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये छोटा छोटा जो नीचे बड्स निकला है यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे बड्स निकले इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बड्स। अगर दोस्तों किसी लीफ पे ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि फेक लीफ है, मीन्स वो सही में लीफ नहीं है। एंड उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लीफलेट, मीन्स दोस्तों अगर कोई लीफ है जिसके पास लीफ बड नहीं, मीन्स ये नहीं है बड नहीं प्रेजेंट है उसके ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट। दोस्तों ये भी नीचे कहा गया है कि ये जो है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर प्रोपेगेशन, जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लीफ है उसको हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब चलिए दोस्तों इसमें हम जानना है आगे हम लोग को कि लीव्स के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला हो गया लीफ बेस, दूसरा हो गया पेट्रियोल एंड तीसरा हो गया लेमिना। ये क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। नीचे दोस्तों बढ़िया सा एक डायग्राम दिया हुआ है इसका, जो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं लेमिना, यहाँ पे जो ये है इसको पेट्रियोल, इसको लीफ बेस एंड स्टिप्यूल एंड ऑक्सिलरी बड, जैसा मैंने आपको अच्छे से फिगर दिखाया था यहाँ पे एक बड रियली ऑरिजिनेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। जो लीफ है दोस्तों ये अटैच होता है स्टीम से लीफ बेस की मदद से, एंड दोस्तों इसे टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग स्टिप्यूल्स बोलते हैं। दोस्तों स्टिप्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ दो लेटरल बड लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे लीफ बेस। यहाँ आप देख रहे हैं जो लीफ है ये लीफ बेस से अटैच है, स्टीम से किस चीज़ से अटैच है लीफ बेस से, एंड लीफ बेस से दोस्तों यहाँ दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ निकले रहते हैं छोटे छोटे स्टिप्यूल एंड ऑक्सिलरी बड। तो आप जानते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बड प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। अब दोस्तों हम लोग को जानना है सभी के फंक्शन जानने की सभी किस किस काम में यूजेस आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग फंक्शन जान लेते हैं लीफ बेस का। दोस्तों मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स जो होते हैं उसमें लीफ बेस एक्सपेंड करता है स्टिल्थ कवरिंग में, जो कि स्टीम को पूरी तरह या आधा कवर कर देता है। एंड दोस्तों लिजिमियस प्लांट में जो लीफ बेस है स्वॉलन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ फूड स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो स्वॉलन लीफ बेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्विनियस। अब दोस्तों जान लेते हैं फंक्शन ऑफ पेटियोल का, पेटियोल के क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों बेसिकली हम लोग को लीफ में यही जानना था लीफ क्या है एंड लीफ के पार्ट्स के बारे में जानना था, एंड अब सभी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जानना है। दोस्तों फंक्शंस ऑफ पेटियोल जान लेते हैं। दोस्तों ये हेल्प करता है ब्लेड टू लाइट के पास होल्ड करने में लीफ को, मीन्स ये होल्ड करता है इस तरह से कि इसके ऊपर जो लेमिना है इसके ऊपर लाइट बढ़िया से पड़े, बढ़िया से लाइट इसको मिले जिसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस करने में इसको आसानी हो। दूसरा फंक्शन है दोस्तों ये लीफ ब्लेड को अलाउ करता है विंड में फ्लटर होने के लिए, जिसके वजह से जो लीफ है वो कूलिंग होता है एंड ब्रिंगिंग टू फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस को फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। दोस्तों लेमिना जो है लेमिना के अंदर आप छोटे छोटे वेंस एंड वेनलेट्स आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेंस प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ यहाँ ऐसे साइड से निकला हुआ है, इसी को हम लोग वेंस बोलते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं वेंस के फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों वेंस जो है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को, मीन देखेंगे आप जिसमें वेंस बहुत डेंस होते हैं वो बहुत थोड़ा लीफ हार्ड होता है, एंड चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हैं। दोस्तों जो शेप एंड साइज ऑफ लेमिना है ये डिफर कर सकता है अलग अलग लीव्स में, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स में। एंड दोस्तों चलिए दोस्तों ये भी टॉपिक इसी के साथ होता है ख़त्म, एंड जानते हैं वेनेशन के बारे में, वेनेशन क्या होता है। दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ वेंस और वेनलेट्स, जो लेमिना में वेंस और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। अब वेनेशन के टाइप्स जान लेते हैं। वेनेशन दो टाइप्स के होते हैं, मीन्स जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हैं वो अरेंजमेंट ऑफ वेंस। अब जान लेते हैं वेनेशन क्या है। वेनेशन सिंपली आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेनलेट्स, यहाँ से इसका डेफिनेशन निकाल आता है अरेंजमेंट वेंस एंड वेनलेट्स इन द लेमिना। लेमिना में जो वेंस एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों वेनेशन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अरेंजमेंट जो है, जो अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेनलेट्स, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेटिकुलेट एंड एक होता है पैरेलल। और दोस्तों रेटिकुलेट होते हैं ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स में होते हैं, एंड पैरेलल जो होता है ये मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स में होते हैं।
दोस्तों बस इसमें यही हम लोग को जानना है। एंड अब आगे बढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ लीव्स पे, लीव्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं बहुत आपको सिंपली समझा रहा हूँ ये चीज़, बिल्कुल एनसीईआरटी के वाइज एनसीईआरटी में पूरा पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या है। अब टाइप्स ऑफ लीव्स देखते हैं। दोस्तों लीव्स दो प्रकार के होते हैं, पहला तो हो गया सिंपल लीव्स एंड दूसरे टाइप्स लीव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। अब जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या, सिंपल लीव्स किसे कहते हैं एंड कंपाउंड लीव्स किसे कहते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। हाँ दोस्तों जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल का है। सिंपल जो होते हैं, जो सिंपल टाइप्स ऑफ लीव्स, उसमें जो लीफलेट है उनके वो मिडरिप को टच नहीं करता है। एंड जो कंपाउंड लीव्स है उसमें मिडरिप को, कंपाउंड लीव्स का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ए नंबर जो है ये फिगर कंपाउंड लीव्स का है। अब दोस्तों कंपाउंड लीव्स के बारे में चलिए जान लेते हैं। दोस्तों कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, देखिए जो लीफलेट है वो मिडरिप से कनेक्टेड होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्टेम है एंड सभी जो लीव्स हैं ये कनेक्टेड हैं मिडरिप से। दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। एंड सिंपल में मिडरिप से कनेक्टेड नहीं होते हैं, देख रहे हैं आप ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अब दोस्तों जान लेते हैं मिडरिप्स जो है, जो कंपाउंड लीव्स हैं उनमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पेनेटियली कंपाउंड लीव्स एंड दूसरा होता है पैलमेटली कंपाउंड लीव्स। दोस्तों पिनाटेली कंपाउंड लीफ जो होता है उसके अंदर जो लीफलेट्स जो हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक मिनट इसका भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। या दोस्तों इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड लीफ्स में पिनाटेली कंपाउंड लीफ्स, फिगर जो ए है एंड बी है पैलमेटली कंपाउंड लीफ्स। दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ही कॉमन एक्सिस से जो लीफलेट है ओरिजिनेट हुआ है दोस्तों। एंड ये जो बीच का ये जो इसका स्टेम हो गया, सॉरी ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ रैचिस बोलते हैं इसको हम लोग। एंड दोस्तों जो ये हो गया पेलमेटली कंपाउंड लीव्स, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लीव्स है वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच रहते हैं, जो आप यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट देख पा रहे हैं। यहाँ से ही आप देख रहे हैं टोटल लीव्स जो है निकले हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, इसी को दोस्तों हम लोग पैलमेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आ गए सिल्क, कॉटन एंड पिनामेटली कंपाउंड लीव्स के एग्जांपल हो गए नीम। दोस्तों आपको एग्जांपल मींस इसका गॉड है इस चैप्टर में, मींस एनसीईआरटी का सभी एग्जांपल आपको रट जाना है। एंड दोस्तों चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। एंड हाँ, एंड रैचिस जो है ये प्रेजेंट होता है पिनामेटली कंपाउंड लीव्स में, एंड जो पैलमेटली कंपाउंड लीव्स है इसमें रैचिस एब्सेंट होता है। अब दोस्तों फाइलोटॉक्सी देख लेते हैं। दोस्तों जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है स्टीम के ऊपर, मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटॉक्सी। दोस्तों अब फाइलोटॉक्सी देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ये तीन टाइप्स को दोस्तों, फर्स्ट हो गया अल्टरनेट, सेकेंड होता है अपोजिट एंड थर्ड होता है वर्ल्ड। एंड चलिए दोस्तों इन तीनों को जान लेते हैं। यहाँ पे मे भी इसका फिगर या दिया हुआ है इसका फिगर। दोस्तों पैराटॉक्सी पहला अल्टरनेट देखते हैं। दोस्तों अल्टरनेट पे आप देख रहे हैं एक स्टेम है, यहाँ सभी साइड से उगे हुए हैं, मीन्स एक ही जगह से नहीं होंगे। अब इसका फिगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिया, मैं आपको एक फिगर बना के दिखा लेता हूँ। तो फिगर बन गया दोस्तों, फिगर उतना मीन्स क्लियर नहीं बनाया बट आपको समझाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों जो अल्टरनेट जो टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सी होता है इसी का फिगर इसमें बुक में क्लियर नहीं दिया हुआ है। दोस्तों इसमें आप लोग इसमें देखेंगे सिंगल मींस एक नोड से एक सिंगल लीफ ही अराइज होता है अल्टरनेट मैनर में। मींस यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोड है, यहाँ से सिर्फ इस साइड से आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से ऑरिजिनेट हुआ लीफ, राइट साइड से नहीं होगा अल्टरनेट मैनर, फिर दूसरे नोड से राइट साइड में, फिर तीसरे नोड से लेफ्ट राइट साइड, ऐसे करके मीन्स एक ही नोड से दोनों अपोजिट साइड नहीं ओरिजिनेट होते हैं लीव्स। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेट। एंड जो बी हो गया जो कि अपोजिट, सेकंड टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सी का हो गया टाइप्स जो कि अपोजिट साइड। दोस्तों इसमें क्या होता है एक ही नोड से दोनों साइड मीन्स जैसे यहाँ भी हो गए, फिर जैसे सिर्फ यहाँ पे था तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे था तो यहाँ भी हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। एंड दोस्तों तीसरा जो है वो है वर्ल्ड। दोस्तों इसमें एक ही नोट से बहुत मतलब तीन चार काफ़ी मीन्स ओरिजिनेट होते हैं, काफ़ी ओरिजिनेट हो जाते हैं इसमें। जैसे आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, यहाँ से एक निकला है, फिर
दूसरा निकला इसी पॉइंट से, फिर तीसरा, मीन्स एक ही से चार पांच इसमें निकले हुए हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड। एंड इस सबके एग्जाम्पल देख लीजिएगा दोस्तों, अल्टरनेट है इसका एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। अपोजिट जो है इसका एग्जाम्पल हो गया कैलाट्रॉफिस एंड गुआवा प्लांट्स। एंड वर्ल्ड जो है इसका एग्जाम्पल हो गया एल्सोटोनिया। अब दोस्तों चलिए इसके आगे देख लेते हैं जो कि है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। दोस्तों मॉडिफिकेशन ऑफ लीव बिल्कुल सिंपल चैप्टर, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, मीन्स इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों लीव्स के कितने टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जांपल में फिगर 5.0 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया से एक बार बता भी दिया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यहाँ पे बिल्कुल सही बताया हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट बात दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों कितने मॉडिफिकेशन हो गए, तीन प्रकार के। पहला हो गया सपोर्ट, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो गया, सपोर्ट किससे हो गया, टेंडन्स के थ्रू। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किससे हो जाएगा, स्पाइंस के थ्रू, जो कि कैक्टस प्लांट में होता है। एंड तीसरा हो गया स्टोरेज के लिए, जो कि किससे होगा, फ्लेसी लीव्स, जैसे आप जान रहे हैं फ्लेसी लीव्स में स्टोर करते हैं वो। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो एंड आपको ऐसे नए नए वीडियोस अपलोड मैं डेली करता रहता हूँ और आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, तो आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।